डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसको देख करके, जिसमें हम लोग आप प्लॉट्स के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या शेयर मार्केट या किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो बनाने वाला हूँ OTS स्कीम जो होती है, जो कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा और येड़ा के अंदर में होती है। तो काफ़ी टाइम से मेरे से सवाल पूछे जा रहे थे कि 2021 के लिए जो OTS स्कीम आने वाली है येड़ा की, वो कब आने वाली है। तो मैं जैसे कि उनको जवाब में देता हूँ कि उनकी अभी तक जो है अप्रूवल नहीं मिली है। तो कल यानी कि 14 सितंबर को येड़ा की जो 71 बैठक होती है, जो बोर्ड की मीटिंग होती है, वो हुई थी। तो उसमें क्या हुआ है, इसकी जो OTS स्कीम थी इसको अप्रूव कर दिया गया है, यानी कि अब ये लागू कर दी गई है। इसकी जो अगर मैं डेट की मैं आपको बात बताऊं, तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये 1 अक्टूबर 2021 से चालू होगी और 30 नवंबर 2021 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो उस बीच में जो है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा लेने वाले देखिए कौन लोग हो गए, जो जिनके पास में जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट है, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, या जो 7% आबादी वाले किसान जो होते हैं उनको जो अलॉट किए जाते हैं प्लॉट, उनके लिए जो मैं बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। किन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें देखिए आपके आ जाते हैं ग्रुप हाउसिंग बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, और जो आपके टाउनशिप वगैरह बनाते हैं, बेसिकली जो बिल्डर्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उन पर जुर्माना तो भाई साहब उनको देना पड़ेगा। तो ये जो है हर साल निकाली जाती है, और थोड़ी लेट और सवेर निकाली जाती है, लेकिन निकाली जाती है, क्योंकि अपना जो है पैसा रिकवर करना है अथॉरिटीज़ को। तो लगभग तीनों का जो है एक ही जैसा रूल रहता है, बस देखना ही होता है लागू कब होती है। तो देखिए 2021 ख़त्म होने को आ गया, सितंबर आ गया है, और अब जो है इन्होंने ये चीज़ जो है लागू की है। ऐसे ही GDA के अंदर भी है, यानी कि जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर भी ऐसा है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो शायद आपको उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। खैर, मुद्दे की बात मैंने आपको बता दी है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई होगा ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसकी प्रोसेस क्या होने वाली है, देखिए आप 1 अक्टूबर को इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है, बेसिकली जितने भी तरीके के आपके ऊपर फ़ाइन लगाए गए हैं, जब से आपको प्लॉट अलॉट हुआ है और आपने पेमेंट नहीं करी है, तो जितने भी तरीके के उसमें फ़ाइन होते हैं, वो प्लस फाइन के ऊपर जो ब्याज लिया जाता है वो भी जो है उसमें माफ़ कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आपसे जितनी आपकी जो प्लॉट का जो प्रीमियम बनता है, इसमें दो कंडीशन रखी गई हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, उनके ऊपर साधारण ब्याज लिया जाएगा, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। और एक साथ आपको ये पैसा देना है, एक साथ का मतलब इसमें भी इंस्टॉलमेंट है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दो तरीके की कंडीशन इसमें रखी गई हैं, एक है 50 लाख वाले प्लॉट और एक है 50 लाख से ऊपर। तो जो 50 लाख से नीचे के जो प्लॉट होते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी स्थिति ये है कि जिन लोगों ने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं करी है, तो वो जैसे ही अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो डिमांड लेटर आता है पेमेंट का अथॉरिटी की तरफ से, उसके 30 दिन के अंदर में जब वो आपको इशू हो जाता है, उसके 30 दिन के अंदर में आपने जो आपके प्लॉट की जो प्रीमियम बनता है उसका 1/3 आपने पे कर देना है। उसके बाद में जितना आपका बचेगा, ठीक है, यानी कि 2/3 जो पैसा बचता है वो आपने 3 मासिक किस्तों में देना है, यानी मंथली 3 महीने के अंदर आपने वो चुकता कर देना है। ये तो हो गया जी एक कंडीशन। दूसरा आता है कि जो 50 लाख से ऊपर के जो प्लॉट हैं उनका क्या होगा। तो देखिए अगर वो फ्लैट हैं या प्लॉट हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास में है, तो उसका 1/3 आपने 30 दिन के अंदर दे देना है डिमांड लेटर के। उसके बाद में जो 2/3 पैसा बचता है वो आपने हर 2-2 महीने के अंतराल पे आपने देना है, यानी कि आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है, क्योंकि उसकी राशि बड़ी होती है। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो स्कीम का ही पार्ट है बेसिकली, कि हम लोग जब इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो 8.5% का जो है अथॉरिटी ब्याज लगाती है, वो आपको देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर जो 1-3% की और लगती है पेनल्टी, वो आपको नहीं देनी है, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है, बाकी आपने पैसा इसी तरीके से इसमें देना है। तो ये तो हो गया उनके लिए जिन्होंने अभी तक पैसा पेमेंट नहीं किया है। अब मैं बात कर लेता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं, पेमेंट हो चुकी है लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो देखिए रजिस्ट्रियाँ जो है आप करा सकते हैं, उसका जो है टाइम दिया गया है 31 दिसंबर 2021 तक का, विदाउट एनी पेनल्टी, ठीक है। तो आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके का फाइन नहीं लिया जाएगा, तो आप अपना जो है उसको जो है रजिस्ट्री करा लीजिए। अब तीसरा जो है, तीसरा फ़ायदा मिलने वाला है उन लोगों को जिनकी रजिस्ट्री तो हो गई है लेकिन जिन्होंने अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं किया है किसी भी कारणवश, चाहे उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी या कोई और प्रॉब्लम थी, तो वो भी अब जो है
31 मार्च 2022 तक जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा टाइम उनको दिया गया है, ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है अप्रैल 2020 से। तो इस दौरान के अंदर जिनको भी जो है अलॉटमेंट हुआ है वो अपना जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। तो तीन तरीके के बेनिफिट इसमें दिए गए हैं, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे फैसले लिए गए हैं, लेकिन वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों बने रहिएगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो सके। देखिए प्रॉपर्टी के दाम दबी बढ़ेंगे जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जब आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे और आप वहाँ पर रहने लग जाएंगे। ऐसे डेवलपमेंट किसी भी एरिया की नहीं होती है। आप सोचें कि वहाँ पर जो है पैसा ऐसे ही बन जाएगा, तो ऐसे आपका पैसा नहीं बनने वाला है। बाकी अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम छोटी मोटी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर शेयर कर देते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको वीडियो में शेयर नहीं कर सकता हूँ। जैसे फोटो हो गया या कोई पोल वगैरह है तो वो वहाँ पे हम करते रहते हैं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग वहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा अगर आपको वीडियो चाहिए। नहीं चाहिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा मर्जी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।